सांबा एक एक करके आओ तब बताते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि नेम के बारे में मैंने अभी अभी बताया, द वर्ड एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, एपी दैट इज अपॉन, थीलियो दैट मींस ग्रोन, मींस अ टिश्यू व्हिच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अभी जस्ट बताया वही चीज है। एपिथेलियल टिश्यू इज द सिंपलेस्ट टिश्यू, सबसे सिंपल होता है ये चारों में, व्हिच फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स। ठीक है, सवाल है प्रोटेक्टिव कवरिंग, कैसे प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा होता है। ठीक है, अरे देखो यार, ये हमारा जो स्किन है ये एपिथेलियल टिश्यू का एक बहुत वाइटल एग्जांपल का हो, ठीक है, और सबसे बड़ा ऑर्गन भी है पूरी बॉडी का। ठीक है, सबसे ज्यादा कंपोज करता है। हटा दो अगर स्किन अगर हटा दो तो हमारे बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन्स, बाहर की बैक्टीरियाज और इन्फेक्शन और इंजरीज, इन सब के लिए क्या हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा। रिपीट किया करो यार, पीछे रिपीट तुम लोग नहीं करते हो, है वीडियो है मतलब क्या, फिल्म थोड़ी चल रही है, है? रिपीट किया करो पीछे, तब फील आएगा। हाँ, कैसा कर देता है, वल्नरेबल कर देता है। राइट नाउ अब सही हुआ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, डैमेज होगा, इन्फेक्शन होगा, है हमारे वाइटल ऑर्गन्स खराब होने के चांसेस होंगे। ठीक है, उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ये कर रहा होता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर हमारे इंटरनली कई ऑर्गन्स एक जगह पे प्लेस्ड, लंग्स यहीं पर है हमारा, है इधर भी इधर भी, ठीक है, हार्ट भी यहीं पर हमारा, नहीं ले गई वो, अरे नहीं है, ठीक है वो होता है, समझ आई बात, तो हार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो आसपास है इन दोनों ऑर्गन्स को अलग अलग कौन करता है, उसमें भी काम यही आएगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी अंदर की लाइनिंग्स बनाता है, एक तरह से एक दूसरे को सेपरेट करता है। ठीक है, दीज टिश्यूज वर द फर्स्ट टू इवॉल्व ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ये क्वेश्चन का सबसे फेवरेट टॉपिक बनता है। ठीक है, फर्स्ट टू इवॉल्व कह लो या फर्स्ट टू डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, यानी जब पेट में है एक सेल से, मतलब फर्टिलाइज्ड सेल से, ठीक है, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है धीरे 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 रेस जीत के, है ना, धीरे 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 पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, एम्ब्रायो तैयार होता है। ठीक है, तो उस डेवलपमेंट की बात कर रहे, तो उसमें सबसे पहले कौन सा टिश्यू इवॉल्व होता है, जवाब पता है। ठीक है, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, क्या करता है, बैरियर की तरह काम करता है टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ब्लड सर्कुलेशन इज एबसेंट, अंडरलाइन किया गया है इसे, मैंने स्टार भी बना दिया, मतलब इंपॉर्टेंट, किसमें, एपिथीलियम में एबसेंट होता है। अच्छा सवाल है क्यों, ऐसा क्यों है कि ये एबसेंट रखा गया, जाहिर सी बात है अगर इसमें ब्लड वेसल्स होंगे और हमारा कोई डैमेज हुआ, ठीक है, अंदर के ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करने से पहले ही तो ये खुद ही ब्लीड करना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये खुद ब्लीड करना शुरू करेगा, हमारा ब्लड सारे चले जाएंगे, है ना, इसीलिए इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। हाँ, टिश्यूज थोड़े डैमेज होते हैं अपर वाले लेयर के, ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है, तुम अगर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर तक डैमेज किए तब निकलेंगे ब्लड वेसल्स। ठीक है, समझ आई बात, तो खैर, दे डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ऑफ द एम्ब्रायो। सर ये टर्म्स जो है ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, देखो ये कुछ नहीं है, जब तुम देखोगे कि टाइप्स ऑफ सिलोम ऑफ डेवलपमेंट में देखोगे कि बॉडी किस तरह से डेवलप कर रहा होता है, हमारा बॉडी किस तरह से डेवलप कर रहा होता है हमारा, तो कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं हमारे जो बाहर के रिलेशन से होते हैं, तो वो बनाए जाते हैं हमारे एक्टोडर्म से, और कुछ जो होते हैं मिडिल वाले होते हैं वो मेसोडर्म से बनते हैं, और जो बाकी होते हैं एंडोडर्म से होता है। तो बॉडी के हमारे तीन सिलोम होते हैं, यानी तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, अगर देखो एक हमारे बॉडी को ऐसे, ठीक है, क्रॉस सेक्शनली काट दिया जाए तो ये जो रीजन होगा ये होगा एक्टोडर्म का, क्या होगा, एक्टोडर्म, और ये जो रीजन होगा ये मेसोडर्म, और ये जो रीजन होगा ये एंडोडर्म। ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट की बात हो रही है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो तुम्हारे बॉडी के तीनों लेयर पे मौजूद होंगे, बाहर तो है ही स्किन में, ठीक है, दो बॉडी कैविटीज के बीच में भी मौजूद है, दो बॉडी कैविटी के बीच में भी मौजूद है, ठीक है, और बॉडी कैविटीज के अंदर भी है, यानी ऑर्गन्स के इनर लाइनिंग्स भी बनाते हैं। ठीक है, कहाँ सर, कहाँ इनर लाइनिंग बनाते हैं, नहीं देखा मैंने, देखा है, ठीक है, दिखाऊंगा मैं, अभी दिखाता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लो, चलो आ गया। फंक्शंस क्या,
फंक्शंस, काम क्या है इनका, है ना, यही तो हमारा सबसे मेन काम है यहाँ पे समझना। तो भैया देखो, सिक्रीशन इसका सबसे पहला काम है। मेनी एपिथेलियल सेल्स आर एबल टू सिक्रीट वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स, वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स सिक्रीट करता है, ये बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल सिक्रीट करता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अभी अभी बताया, यही है बाबा बाबा ब्लैक शिप, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन दैट रेगुलेट्स अ वैरायटी ऑफ बॉडीली फंक्शंस सच एज ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन कंट्रोल करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, टायरोक्सिन कंट्रोल करता है, कार्डियक साइकिल, नॉर एड्रेनालिन करता है। नॉर एड्रेनालिन का काम क्या होता है, ठीक है, एड्रेनालिन का नाम सुना है, एड्रेनालिन, ये सुना होगा, ठीक है, थोड़ा आगे जाओगे तो इसी का दूसरा नाम सुनोगे, एपिनेफ्रिन, ठीक है। खैर, इस पर्टिकुलर हार्मोन को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। सामने शेर आ जाए क्या करोगे, भागोगे, ठीक है। तो भागने में जो हेल्प कर रहा है, कितनी स्पीड भागते हैं, कुत्ता दौड़ा दे कितनी स्पीड भागते हैं, ठीक है। अच्छा, जब गुस्सा आ जाए, फाइट करना है किसी से, है किसी ने तुम्हारी बंदी को छेड़ लिया, आएगा पावर वाला, ठीक है। तो वहां पे भी जो तुम्हारा जो होता है एकदम सुपर फाइट इमेज दिख रहा होता है, और जो चला रहे होते हो पंचेस, जो पंचेस से डॉज कर रहे होते हो, है नहीं, तो वो सब चीजों को हेल्प कौन करता है, बॉडी को तुम्हारा इस काबिल कौन बनाता है, एम्पलीफाई कौन करता है, ये करता है एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है। चलो ठीक है, बंदी आई बीच में, रोक दी, लड़ाई खत्म, है नहीं। तो जब लड़ाई खत्म हो गई तो अब बॉडी क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज, क्या होगा, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज करने में हेल्प कौन करेगा, उसका एंटीपार्ट, ठीक है, नॉरएड्रेनालिन। खैर देखो, अगर हम एक एपिथेलियल सेल की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमें दिखेगा कि ये जो बेसल सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे एक सेल्स को बनाते हैं, टॉल कॉलमनर सेल्स हैं, और ये सिक्रीशन जो आप देख रहे हो ये डॉट्स या हार्मोन के फॉर्म में सिक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सेल्स आप खुद को डिजेनरेट करके कहो, ठीक है, सिक्रीशन देता है। तो इसका एक वाइटल एग्जाम्पल की बात करें तो नेजल म्यूकोसा हमारा सबसे अहम इंपॉर्टेंट सिक्रीशन पार्ट एपिथेलियम का हो जाता है। सर नेजल म्यूकोसा है, ये मतलब ही नहीं समझ आया, मतलब नेजल म्यूकोसा क्या है भैया, नेजल म्यूकोसा का मतलब नहीं समझ आया, आ गया, हाँ वही है, ये वही है नेजल म्यूकोसा, वही है, चलो मिला नहीं उससे, अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। चलो एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ठीक है, एपिथेलियम का काम एब्जॉर्प्शन भी है। हाँ, क्या बोला था मैंने कि ऑर्गन्स के अंदर भी होता है, इनर लाइनिंग भी एपिथेलियम बनाता है, कौन सा ऑर्गन यही देखेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फंक्शन इज बेस्ट एग्जाम्पल्ड बाय द सरफेस एपिथेलिया विद एपिकल माइक्रोविलाई which significantly increases the absorptive surface area. कौन सी माइक्रोविलाई, अरे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग जब फूड खाते पेट में, जब डाइजेस्ट हो गया यानी टूट गया, अब वो ब्लड में कैसे आएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाइज ये लाते हैं वहां से मैक्रोमोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके लिवर पे, ठीक है, हेपेटोपोर्टल वेन में ले जाते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ जाओगे वो भी, वक्त आने दो, ठीक है। इनको जब तुमने मैग्नीफाई करा, इनको जब तुमने मैग्नीफाई करा, तो ये जो तुम देख रहे हो ये है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने वाले सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अभी बताया था वहां क्लासिफिकेशन में नाम नहीं भूलना, नाम नहीं भूलना, सीलिएटेड कॉलमनर, अरे बोलो यार, एपिथेलियम, ठीक है, समझ आई बात, सरफेस एरिया बढ़ाता है, सब अलग अलग बातें हैं जो चले हैं, है? ये खुद ऐसे विलाई टाइप का है और इन्हें कहेंगे माइक्रोविलाई, क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई, छोटे छोटे सीलिया वाले, ठीक है, वो कहलाएंगे माइक्रोविलाई। कॉलमनर एपिथेलियम इज इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ गुड एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कहो यार, गुड कह रहे हो, है ये बेस्ट एग्जाम्पल। कभी भी अगर तुम्हारे पास में दिमाग में ये बात आए कि एपिथेलियम का एब्जॉर्प्शन में क्या लेना देना है, सीधा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, चलो सही है ना।
चलो आगे देखते हैं और इसके काम है। अरे खत्म ही नहीं हो रहा, बहुत काम करता है ये, तुम्हारे तरह थोड़ी पबजी खेल रहा होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बाय हैविंग चैनल्स एंड पंप्स ऑन द एपिकल एंड बेसल सर्फेसेस एपिथेलियल सेल ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, क्या काम है इसका, बॉडी के सेल्स में कुछ सब्सटेंसेस लाना और कुछ ले जाना। ये जो डायग्राम देख रहा हो ना, ये बहुत रिसर्च बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है, तो तुम इसमें परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें एकदम सिंपलीफाइड वे में से इस डायग्राम को एक बार समझा दूं। ठीक है, ये हमारे किसी भी सेल की एपिथेलियल पार्ट है। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स के अंदर हमें जब ये लाना होता है, कोई भी मान लो हाइड्रोजन आयन्स को पंप करना है, ठीक है, बॉडी में, या प्लाज्मा सेल्स को बाहर भेजने हैं, ठीक है, वेन से बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जो हमारे ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहे होते हैं, तो वो ऑर्गन्स तक जाने जरूरी होते हैं, तो उनको फैसिलिटेट कौन करता है? ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, कॉलमनर सेल्स ऑफ द इलियम ट्रांसपोर्ट आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन इनटू द कैपिलरीज। ठीक है, हमारे विलाय से, यानी हमारे इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, वहां से जब आयरन सेल्स को भी ट्रांसपोर्ट करना होता है, फिर से कौन काम आएगा? एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, कैपिलरीज में डालेगा एंड द क्यूबॉइडल सेल्स ऑफ रीनल टिब्यूल। हमारे किडनी की बात हो रही है अब। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन दिखा रहे हैं इसके। ठीक है, रीनल टिब्यूल एक्सेल हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द बॉडी इनटू द यूरिन। किसमें डालेगा ये? यूरिन में डालेगा। किसमें डालेगा? यूरिन में डालेगा। ठीक है, तो दो एग्जांपल इसके याद रखने, इसके दो एग्जांपल याद रखने। एक तो हमारे यहाँ ठीक है आयरन सेल्स है, उसको इलियम से निकालेगा, इलियम से निकाल के ब्लड कैपिलरी में डालेगा ताकि हमारे ब्लड में आयरन बढ़े। नहीं, दूसरी बात करें तो किडनी की बात होगी। ठीक है, रिनल टिब्यूल में डालता है H+ आयरन। ठीक है, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर कहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर कहें एपिथेलियल टिश्यू का, तो है ये प्रोटेक्शन। एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म अ सेलेक्टिव बैरियर, अभी बताया था ना ये सेलेक्टिव, अच्छा नहीं सेलेक्टिव बैरियर नहीं होता, कोई बात नहीं, प्रोटेक्टिंग द अंडरलाइंग ऑर्गन्स फ्रॉम द मैकेनिकल एंड केमिकल इंसल्ट्स और इंजरी कहो। ठीक है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट फैंसी वर्ड यूज किया मैंने, है सच एज इंटॉक्सिकेशंस। इंटॉक्सिकेशंस कहने का मतलब शराब वराब है, शराब और शबाब है। टियरिंग एंड इन्फेक्शन, टीयरिंग एंड इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है। देखो, हमने टीयर करने की कोशिश करा, खींचने की कोशिश करा, नहीं हो रहा है। ये सब कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है। ठीक है, हाँ, सेलेक्टिव बैरियर कहने का मतलब क्या हुआ सर? ठीक है, देखो कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जो कुछ चीजों को ना अंदर आने देता ना बाहर आने देता। मान लो ये वैसा होता तो स्वेट आता हमारा, सोचो, नहीं आता, अंदर से बाहर आ रहा है, स्वेट नहीं आता हमारा। ठीक है, पानी में बहुत दिन डला रहता तो हम लोग पानी, बॉडी हाथ वाथ फूल जाता है, नहीं तो पानी भी अंदर जाता, बॉडी फूल जाता। ठीक है, तो रीजन है सेलेक्टिव बैरियर है, वो कुछ चीजों को अंदर जाने देता है, कुछ चीजों को नहीं देता। दिस इज वन रीजन व्हाई एपिथेलिया डजंट हैव अ ब्लड वेसल्स एज एब्रेशन कुड रिजल्ट इन द टियरिंग ऑफ द वेसल्स एंड ब्लीडिंग। अभी मैंने बता दी ये बात। ठीक है, ये भी एक रीजन है, और ये देखो एग्जैक्ट वर्ड्स है जिन्हें मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम्स में यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्स में यूज करना है, और ऐसा बना दो भाई अगर एक डायग्राम, ठीक है, तो टीचर घर पे आके नंबर देके जाएगा कि हाँ प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ऐसे ही होते तो है सर, नहीं बैरियर बनाता है। ठीक है, ये बैरियर बनाता है। चलो और फंक्शन, अरे खत्म ही नहीं हो रहा, ये लास्ट है, ये इसका लास्ट फंक्शन होगा। ठीक है, रिसेप्टर फंक्शन। रिसेप्टर फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? देखो सीधी सी बात बताते हैं, हमारे बॉडी में फाइव सेंसेस हैं। हम लोग अपने आसपास होने वाले घटनाओं को सेंस कर सकते हैं, हो सकता है देख सके, हो सकता है स्मेल कर सके, हो सकता है सुन सके, या हो सकता है फील कर सके, किसी भी तरह का फेनोमेना हो। ठीक है, या हो सकता है उसे टेस्ट कर ले। ठीक है, एयर में मौजूद है कुछ, है बहुत सही। ठीक है, तो रिसेप्टर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें रिसेप्टर फंक्शन में एपिथेलियल टिश्यू कहाँ हमारा मेन काम कर रहा होता है? ठीक है, देखने में तो नहीं करेगा, है देखने में तो लाइट हेल्प करता है, चलो बहुत सही, फिजिक्स भी पढ़ के आए हो। ठीक है, अच्छा सुनने में भी नहीं करेगा, वो भी फिजिक्स है सर, अच्छा ठीक है। टेस्ट करने में, हाँ वहाँ भी कर सकता है सर, मान लिया, अच्छा। और फील करने में, नहीं नहीं फील करने में बात सही है तुम्हारे वहां पे, लेकिन नर्व सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा मेन फंक्शन रोल प्ले करते हैं। तो कहां की बात हो रही है? अरे सर डायग्राम बना हुआ है, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे, सस्पेंस हो नहीं रहा है। अच्छा
Epithelial cells can be specialized to receive sensory information and translate this information into neural signal. ठीक है, इन signals को neural signal में बनाता है. कुछ स्मेल किया, कैसे पता चला कि ये स्मेल अच्छा है, ये स्मेल बिरयानी की है, है? कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है, ये आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नेजल कैविटी में, इसको ले जाएगा और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये क्या कर रहा होता है, ये एपिथेलियम, ये एपिथेलियम रेड वाला जो मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, और ये जो इसके पैचेस हैं, द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से जो बने हुए पैचेस हैं, ये सिग्नल्स को बनाते हैं और ये वहां भेजते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब पे. ऑल्फैक्टरी बल्ब उस स्मेल के ऑर्डर को भेजता है ब्रेन पे, ब्रेन उसको बोलता है अच्छा मम्मी ने बिरयानी बनाया, काम सारे कर लो जल्दी तब मिलेगा. ठीक है, वन एग्जाम्पल इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ द ऑल्फैक्टरी नेजल म्यूकोसा. ठीक है, these epithelial receptor cells have apical cilia, cilia दिख रहा है हमें, which detect the chemical signals of the incoming order, जो smell आ रहा है उसके order को detect करता है और detect करके brain में भेजता है. ठीक है, चलो काम खत्म हो गया सर इसके. हाँ नहीं, बस थोड़ा सा ना, थोड़ा सा रह गया. अच्छा अभी भी रहेंगे सर? नहीं, एक बार revision रहा. देखो एपिथेलियल को बात करें तो दो हिस्सों में तोड़ दो, एक तोड़ दो सिंपलर, एक तोड़ दो स्ट्रेटिफाइड. सिंपलर की बात करें, वन सेल लेयर, एक लेयर होगा इसमें, स्क्वैमस क्यूबॉइडल कॉलमनर, स्क्वैमस क्यूबॉइडल कॉलमनर. ठीक है, तो भैया देखो क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों दो तरह के हो सकते हैं. क्यूबॉइडल हो सकता है नॉन सीलिएटेड हो, और हो सकता है, अरे भैया कुछ नहीं है, सीलिया लगा दो, सीलिएटेड हो गया. अच्छा ठीक है, कॉलमनर की भी वही बात होगी, हो सकता है नॉन सीलिएटेड हो, सिंपल जैसा दिख रहा है. ठीक है, और हो सकता है सीलिएटेड हो. ठीक है, फिर आता है सूडो स्ट्रेटिफाइड, फिर आता है सूडो स्ट्रेटिफाइड. क्यों, क्या कहेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब? देखो ये बहुत इक्वल इक्वल लगभग लगभग सीधा सीधा स्ट्रेटिफाइड है, हिस्सों में बटा हुआ है. सूडो स्ट्रेटिफाइड की बात करें, ये भी उसी तरह से होगा, सूडो क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड कह सकते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड या क्यूबॉइडल सूडो स्ट्रेटिफाइड कह सकते हैं, कॉलमनर सूडो स्ट्रेटिफाइड कह सकते हैं. ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ होगा इसका, ठीक है, कोई इसकी स्ट्रेटिफिकेशन बहुत क्लियर नहीं रहेगी. ठीक है, सेम चीज है. ठीक है, अब इसमें सीलिया लगे हैं तो स्टीरियो सीलियट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्टीरियो सीलियट. स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड में फिर से वही स्क्वैमस क्यूबॉइडल कॉलमनर और ट्रांजिशनल. ठीक है, केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब क्या हुआ, इसमें खास तरह की प्रोटीन मौजूद होगी केराटिन.